कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड के कुछ भाजपा प्रत्याशियों द्वारा उनकी ही पार्टी के अपने अपने क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाया गया था और शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में शिकायत भी की गई थी। इनमें से एक काशीपुर विधानसभा से लगातार 4 बार भाजपा से विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा भी हैं। उन्होंने तो मतदान के तुरंत बाद अपने कार्यालय में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काशीपुर के कुछ भाजपा नेताओं को गद्दार करार देते हुए उन पर भाजपा प्रत्याशी व उनके पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा के साथ भीतरघात करने का आरोप लगाया था। इन सब के बावजूद भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा ने भारी मतों से विजय प्राप्त की, लेकिन भीतरघात के मामले में अभी तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा भीतरघातियों के विरुद्ध अनुशासनहीनता व पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने आदि की कार्यवाही अमल में न लाने की टीस कहीं न कहीं उनके पिता हरभजन सिंह चीमा के मन में है। इस बारे में सुरागीलाल न्यूज चैनल की टीम ने उनसे बात की तो उन्होंने इस मामले में क्या कहा, देखे सुरागीलाल न्यूज चैनल से मानिक गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल से। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव संपूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं और सभी विधायक चुन लिए गए हैं, लेकिन ऐसे में हमें आज भी याद है कि हमारे काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा जी द्वारा एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। उन्होंने बोला था कि जो पार्टी के गद्दार जो नेता जिन्होंने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध कर उन्हें हराने की संपूर्ण रूप से कोशिश की थी, तो आज हम जानेंगे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। नमस्कार सर। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हमारी पार्टी ने प्रदेश स्तर पर एक कमेटी बनाई है जिसमें पार्टी के शीर्ष लीडर उन विधानसभा क्षेत्रों में जा कर के जिन विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी हार गई, लगभग 23 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो लीडर वहां पर जा कर के हार का कारण और उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी के जिन लीडरों ने कार्यकर्ताओं ने उनको हराने का प्रयास किया है उसकी रिपोर्ट वो प्रदेश स्तर पर रखेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई हो। मेरा कहना यह है कि उस कमेटी को जहाँ जो हमारी हमारे विधानसभा क्षेत्रों में चाहे जीत हुई है लेकिन वहाँ पर पार्टी के ही शीर्ष कार्यकर्ताओं ने लीडरों ने वहाँ पर उन्हें हराने का पूरा प्रयास किया है, नंगा नाच किया है, बाहर आकर के जनता में बोले हैं और उन्होंने हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी जांच भी होनी चाहिए। ये कमेटी को पावर हो या दूसरी कमेटी को दूसरे आदमी भेजे जाए जो इस बात का सबूत दें। जनता बोल रही है कि ओपनली उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वोट दो, चीमा को हराओ। उनके प्रति कोई कार्रवाई ना होने से भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि लोगों में कार्यकर्ताओं में ये परंपरा बन जाएगी कि विरोधता करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विरोधी बढ़ जाएंगे, चुनाव मुश्किल हो जाएंगे। मेरा कहना यह है कि जहाँ पर भी विधायकों के खिलाफ जीते हुए विधायकों के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से विरोध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाए। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।